दोस्तों, एंटोनियो ग्राम्शी के प्रिजन नोटबुक से जो हमें कोट्स मिलते हैं उनमें से एक बेहतरीन कोट ये है कि क्वालिटी शुड बी एट्रीब्यूटेड टू ह्यूमन बींग्स एंड नॉट टू थिंग्स। और जब हम आज के ज़माने को देखकर, हालात को देखते हैं, हमें ये लगता है कि उसके बरक्स चल रहा है, आई मीन क्वाइट ऑपोजिट, कि नाउ क्वालिटी इज एट्रीब्यूटेड टू थिंग्स एंड नॉट टू ह्यूमन बींग्स। जब हम इसको मार्क्सियन आइडियोलॉजी में देखते हैं तो हमें क्लियर ये लगता है कि जैसे मार्क्स ने कहा था कि कैपिटलिज्म एक ज़माने में अनएम्प्लॉयड यूथ की आर्मी पैदा करेगा। वो आर्मी पैदा हो चुकी है और देखिए किस बदतरीन सूरत में। वो ऐसे कि जैसे एलन मस्क ने इसको ट्विटर को टेक ओवर किया तो ले ऑफ शुरू हो गई, उसके बाद एक ट्रेंड चला, मेटा ने शुरू किया, उसके बाद अमेजोन, उसके बाद और कंपनीज ने ले ऑफ्स का पूरा एक सिलसिला खोल दिया। आपको पता है बदतरीन जो अनएम्प्लॉयमेंट की कोई सूरत हो सकती है वो ले ऑफ वाली। ये उससे भी ज़्यादा बदतरीन है जो किसी को जॉब नहीं मिल रही है, उसने एजुकेशन कंप्लीट की है, वो जॉब मार्केट की तरफ आना चाहता है लेकिन उसे जॉब नहीं मिल रहा है, लेकिन उसकी स्ट्रगल अलग है। लेकिन आपको पता है जब कोई अच्छी जॉब में हो और फैमिली हो पीछे सपोर्ट करने के लिए, उनका बाद में अकॉर्डिंग टू सैलरी एक लाइफस्टाइल बन जाता है और उनके बच्चे अच्छे स्कूल में जाने लगते हैं, उनका खाना पीना वैसा हो जाता है और एक दिन रात में उनको पता चलता है कि कल से मत आना। ये लिटरली जैसे उस लेडी ने कहा था जिसको मेटा की तरफ से रात में मेल आया, जो अपनी मैटरनिटी लीव पे थी, कि इट सिंक्स हार्ट। ये बिल्कुल ये है कि किसी की दुनिया आप एकदम ख़त्म कर रहे हो और बाद में उसे एक पोलाइट सा अंग्रेजी नाम दे देते हो, ले ऑफ, एक फैशनेबल वर्ड, कि वी आर लेइंग ऑफ। आप इस चीज़ की ग्रेविटी नहीं समझते कि व्हाट डज अ ले ऑफ लिटरली मीन फॉर अ फैमिली। और जो आप क्वालिटी टू बी एट्रीब्यूटेड टू थिंग्स एंड नॉट टू ह्यूमन बींग्स, जो ग्राम्शी ने कहा था कि आप मशीनों से काम करवा के एट्रीब्यूट कर रहे हो क्वालिटी इनटू थिंग्स और ह्यूमन बींग्स को वहाँ से हटा रहे हो, उसकी वजह से एक क्रूअल वर्ल्ड शेप हो रहा है, एक क्रूअल कम्युनिटी शेप हो रही है, एक डेडली सोसाइटी शेप हो रही है, एक अलार्मिंग अनसर्टेनिटी और इनसिक्योरिटी और कैओस शेप हो रहा है, जो बड़ी कंपनीज नहीं सोचते हैं। वो CSR की जो पॉलिसी है वो फार्मुलेट करते वक्त बहुत बड़े बड़े दावे करती हैं ये कंपनीज, लेकिन जब ले ऑफ्स करते हैं तो एक दूसरे की देखा देखी में, लो जी शुरू हो गया ट्विटर से तो अब अमेजोन पे आना है, अब मेटा पे आना है, अब सारी जगहों से जो अच्छी पोस्ट्स पे वेल सेटल लोग होते हैं उनको एक साथ हटा देना है। इसे एक ट्रेंड कहते हैं, इसे एक फैशन कहते हैं, ये उनके लिए ट्रेंड होगा, फैशन होगा, लेकिन जो तन लागे सो तन जाने, ये वही जानते हैं जिनको रात में मेल मिला, जिनको जो जॉब पर जा रहे थे, जो ऑफिस जा रहे थे और आधे रास्ते में पता चला कि जॉब नहीं रही, उनकी दुनिया वही ख़त्म हो जाती है और उनके सपने वही टूट जाते हैं। लिहाजा है दिल के लिए मौत, अल्लामा ने कहा था, मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात, आलात मीनस मशीनें, नाउ यूज ऑफ AI, आप AI से ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस कर रहे हो, ह्यूमन बींग्स की आप उस वो वैलिडिटी, वो एफिकेसी, वो एसेंस ख़त्म कर रहे हो और मशीनों से काम ले रहे हो और बाद में यू आर फीलिंग प्राउड एट टेक्नोलॉजी। आप टेक्नोलॉजी के कैदी बन रहे हो क्योंकि टेक्नोलॉजी अब कॉन्शियंस वाली टेक्नोलॉजी, स्पेशली AI, आपको हर तरीके से ह्यूमैनिटी को खदेड़ने में मदद कर रही है और इसके लिए जो कैनिबल कैपिटलिस्ट्स हैं दुनिया के, और जो जैसे वो एक क्रूअल और कैनिबल कैपिटलिज्म शेप अप कर रहे हैं, वो अपने फुल स्विंग में इस वक्त उस ह्यूमैनिटी को ट्रैम्पल करना चाहते हैं। वो एनवायरमेंट के दुश्मन हैं, फर्स्ट दे क्रिएट अ प्रॉब्लम एंड देन दे सेल द सोल्यूशन, दोनों चीज़ें, चित भी मेरी और पट भी मेरी। वो दुनिया के बिगेस्ट पोल्यूटर्स भी हैं और वो दुनिया को ही नसीहत दे रहे हैं और वो दुनिया को ही सोल्यूशंस बांट रहे हैं।
वही वाली फॉर्मूला कि लेट अस क्रिएट अ प्रॉब्लम एंड देन सेल द सॉल्यूशन। तो ऐसे में ये उन तमाम मतलब गवर्नमेंट्स के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल कंपनीज हैं वो ले ऑफ को ना एक फैशन ट्रेंड ना बनाए। किसी भी एम्प्लॉय को ले ऑफ करने से पहले ये सोचें कि यहाँ हम इनकी दुनिया ख़त्म कर रहे हैं, यहाँ हम इनकी जिंदगियों को एंडेंजर कर रहे हैं, और ये जिस होड़ में हम कर रहे हैं और ये जो ले ऑफ्स का फैशन बनाया जा रहा है, ट्रेंड बनाया जा रहा है, भले ही एक कंपनी भी तो एक घर होता है, एक वर्क प्लेस में काम करने वाले लोग भी एक फैमिली होते हैं। फैमिली से क्या कभी हम फैमिली मेंबर्स को, अगर हम घर पे कोई आपदा आए, घर पे घर में कोई परेशानी आए, क्या हम घर के दो मेंबर्स को घर से निकाल देते हैं क्या? तो एडजस्टमेंट, अगर किसी कंपनी में ऐसी कोई माली प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल इशू है, तो अगर वो अपने एम्प्लॉयज को फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज सैलरी दे रहे हैं, वो उनको 80 पे ले आए, लेकिन दो लोगों को निकाले ना, जहां पे भी दो लोगों को निकाला जा रहा है बाकी लोगों की सैलरी सेम ले हो रही है, वो भी उनका बेनिफिट नहीं है क्योंकि कल उनको निकाला जा रहा है। जैसे घर पे आपदा आए और घर में एडजस्टमेंट्स होती हैं, घर में लोग पैसा बचाते हैं, घर में लोग यू नो कम पैसे पे जिंदगी चलाते हैं, ठीक उसी तरह कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को करना चाहिए। वो असल में वही है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आप किसी ऑर्फनेज को 10,000 रुपए देंगे और उसे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते, उसे आप बहुत बहुत एडवर्टीजमेंट के साथ, बहुत ही प्रचार के साथ पोते कि ये जी हमने किया, लेकिन आपने घर के चार आदमियों को निकाला है, आपने उनकी जिंदगी एट अ टाइम स्टॉप की है, आपने उनके सपने तोड़े हैं, आपने उनके बच्चों के सपने तोड़े हैं, तो ये कहाँ की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दिस हैज टू बी टेकन एज अ लफ्स जो है सोशल, लफ्स सोशल का मतलब समझना होगा उन लोगों को जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का डंका पीटते हैं, जो उसके लिए बहुत यू नो एडवर्टीजमेंट कराते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। ले ऑफ्स को कंपनी सीरियस लें, क्योंकि ये कोई फैशन नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी अ फैशन, इट कैन नॉट बी अ ट्रेंड, इट कैन नॉट बी सेलिब्रेटेड। चाहे कंपनीज में जितना भी फाइनेंशियल इशू हो, वो वहीं पे इंटरनली एडजस्ट करें और लोगों को ना निकालें। एट्रीब्यूट वैल्यू टू ह्यूमन बींग्स एंड डोंट एट्रीब्यूट वैल्यू टू थिंग्स। डोंट रिप्लेस ह्यूमन बींग्स with AI. Thank you.